कोरोना महामारी जहां हर क्षेत्र में कहर बरपा रही है, वहीं जिले में पढ़ रहे 76 बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वा दी है। इन बच्चों में अधिकतर प्रवासी विद्यार्थी शामिल हैं। ये सभी छात्र लॉकडाउन और कोरोना के डर से अपने अपने राज्य लौट गए हैं। साधनों के अभाव में शिक्षा विभाग इनसे संपर्क नहीं कर पाया है। जिला के विभिन्न शिक्षा खंडों के तहत आने वाले स्कूलों में दाखिला लेने वाले ऐसे बच्चों की पढ़ाई कोरोना के कारण अब छूट गई है। स्कूलों से इनका संपर्क नहीं रहा है। आपको बता दें कि जिले में 9वीं से 12वीं कक्षा तक कुल 17,938 छात्र पंजीकृत हैं। इनमें से 76 बच्चे अब शिक्षा से वंचित हो गए हैं। 102 छात्र दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा 17,725 छात्र ऑनलाइन शिक्षा और शेष छात्रों को शिक्षा विभाग घर घर नोट्स पहुंचा रहा है। कोरोना के कारण जो छात्र अपने राज्य गए हैं, उनसे ना तो शिक्षा विभाग संपर्क कर पाया है और ना ही छात्रों ने स्कूलों में संपर्क किया है। ऐसे में ये छात्र पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर अगले साल फिर से दाखिला लेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर दिलबरजीत चंद्र ने कहा कि 76 बच्चों के साथ कोई संपर्क नहीं है, ना ही ये ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े हैं और ना ही ऑफलाइन इनसे संपर्क हुआ है। ऐसे में ये विद्यार्थी विभाग द्वारा कोरोना की घड़ी में दी जा रही शिक्षा से वंचित है। जिला में हमारे 17,938 ऐसे टोटल एनरोलमेंट हमारे पास थी 9वीं से लेके 12वीं तक। तो उसमें से व्हाट्सएप के साथ हमारे जुड़े हुए हैं बच्चे 17,725। हम कवर नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे 76 बच्चे हैं हमारे, 76 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम कवर नहीं कर पाए हैं। बाकी लगभग 99 कह सकते हैं हम परसेंट बच्चे जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं ऑनलाइन असाइनमेंट जो अभी एग्ज़ाम हमारा चला है। अध्यापकों ने जो बच्चे दूरदर्शन से या जिनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जा रही थी उन बच्चों को भी कवर किया है। उनको घर जाके वो क्वेश्चन पेपर उनको प्रोवाइड किए हैं और आंसर शीट्स भी वहाँ से वो कलेक्ट करके जमा किए हैं स्कूलों में। आजकल वो असाइनमेंट का काम चला हुआ है। तो पूरे ज़िला में ये हमारे पास बहुत कम बच्चे, 76 ऐसे बच्चे हैं जो कवर नहीं हो पाए हैं, जो पहले पढ़ाई में भी कवर नहीं हो पा रहे थे। और ये वो बच्चे हैं जो माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे हैं, जैसे कोई राजस्थान से है, बिहार से, यूपी से है। तो जब ये पेरेंट्स इनके चले गए तो ये बच्चे भी साथ ही चले गए और इन्होंने ग्रुप भी छोड़ दिया, जबकि हमारे पास यहाँ नोल थे। अगर ये ग्रुप ना छोड़ते तो हो सकता है कि वहाँ भी इनको शिक्षा मिल सकती थी। हाँ, मैक्सिमम हमने कोशिश की है, टीचरों को भी मैंने कहा कि आप इनसे संपर्क साधिए, पर ये जब इन्होंने ग्रुप ही छोड़ दिया है, कॉन्टैक्ट ही छोड़ दिया है, उठाया नहीं इन्होंने ना, अब फ़ोन ही नहीं उठाया उसके बाद, तो अब ये वंचित रह गए हैं। और हमने तो ये कहा है इनको कि जो बच्चे इस तरह से एजुकेशन नहीं ले पाए ऑनलाइन, उनको आप एनरोलमेंट में से हटा दीजिए। जिला भर में सोमवार को सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षाओं का समापन हो गया। सोमवार को जिला भर में अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने परीक्षा दी। प्रदेश भर में 7 सितंबर से 14 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के खतरे को मद्देनजर रखते हुए इस बार छात्रों की ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई। जिला भर में परीक्षाओं के दौरान महज 3 जगह से नेटवर्क शिकायत दर्ज की गई। इसमें 2 नादौन के और 1 सुजानपुर का छात्र शामिल है, लेकिन शिक्षा विभाग ने सुबह की बजाय शाम के सत्र में इन विद्यार्थियों की परीक्षा भी ले ली। परीक्षाओं में 137 छात्रों को घर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए। उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दिलबरजीत चंद्र ने कहा कि सोमवार को परीक्षाओं का समापन हुआ। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक हो गया। उन्होंने कहा कि जिला भर में अध्यापकों, अभिभावकों व छात्रों के सहयोग से इन परीक्षाओं में कोई परेशानी नहीं आई और जिन 3 छात्रों की परीक्षा रह गई थी वे भी बाद में करवा ली गई। सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस है ना, उनमें तो 21 के बाद उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं
जो टीचर्स से गाइडेंस लेना चाहते हैं या उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन लेने के लिए वो स्कूल में आ सकते हैं। पर अभी हिमाचल सरकार ने ऐसा फैसला नहीं लिया है। अगर सरकार लेती है तो हमारे स्कूल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, अध्यापक भी स्कूलों में आ रहे हैं और सारा सैनिटाइजेशन का और ये जो सिस्टम है सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है हर स्कूल को आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने अपनी एग्जिट प्लान एक स्कूल लेवल पर बना ली है और जैसे ही आदेश आएंगे हम स्कूलों को दे देंगे। और बहुत सारे मेरे पास तो ग्लोड ब्लॉक में 3-4 स्कूलों के पेरेंट्स सभी पेरेंट्स ने 100% ने लिख के दिया हुआ है कि हम बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स भी तैयार हैं, टीचर्स ओवरऑल हमारे पास 60-70% पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल भेजने हमने, और कुछ एक पेरेंट्स जो 30-35% या 40% तक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जब तक सारा माहौल ठीक नहीं हो जाता, कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। सर, इसमें